मैं हूं आपके साथ माधुरी कलाल। इस वक्त मैं दिल्ली के चांदनी चौक उस इलाके में हूं जहां की बनावटें, जहां की खूबसूरती, जहां की इमारतें जो अपने अंदर खुद कई तरह की सभ्यताएं और संस्कृति को समेटे हुए हैं, उतना ही दिलचस्प यहां का राजनीतिक इतिहास भी रहा है। जी हां, इस चांदनी चौक ने एक लहर के साथ साथ धार्मिक समीकरण पर बनते और बिगड़ते माहौल को भी देखा है। इसकी चर्चा देखी और सुनी है, लेकिन सोचिए कि आम लोगों से लेकर व्यापारी तक क्या अब उन्हीं मुद्दों को लेकर लामबंद है, या फिर इस बार भी कोई लहर यहां काम कर रही है। तो चलिए चुनावी सियासत में करेंगे ऐतिहासिक चांदनी चौक से चुनावी चर्चा। चांदनी चौक लोकसभा सीट राजधानी दिल्ली के 7 संसदीय क्षेत्रों में से एक है। इस बार चांदनी चौक लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की ओर से डॉक्टर हर्षवर्धन, कांग्रेस की ओर से जयप्रकाश अग्रवाल और आम आदमी पार्टी की तरफ से पंकज गुप्ता को चुनाव मैदान में उतारा गया है। चांदनी चौक पुरानी दिल्ली के सबसे व्यस्त बाजारों में से एक है। कारोबारी हब होने के चलते रोजाना यहां लाखों की संख्या में व्यापारी, कर्मचारी और मजदूर पहुंचते हैं। चांदनी चौक अपने राजनीतिक इतिहास को लेकर बहुत फेमस रहा है। कहा जाता है कि इस इलाके से जो चुना जाएगा उसी की सरकार दिल्ली में होगी। फिलहाल यहाँ डॉक्टर हर्षवर्धन सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री भी हैं। इससे पहले भी जो यहाँ पर सांसद चुने गए वो केंद्र में मंत्री रहे, चाहे वो बीजेपी सरकार के हों या कांग्रेस के। लेकिन इस वक्त चांदनी चौक की हालत मैं आपको दिखाऊँ, फिलहाल दिसंबर से यहाँ पर पूरा चांदनी चौक खुदा पड़ा है। यहाँ पर जो लाइन्स डली जा रही हैं, जो इसको ठीक करने का काम चल रहा है, सरकार जो सड़कों के चौड़ीकरण का काम चल रहा है, वो थोड़ा सा आम लोगों को परेशान किए हुए हैं। लेकिन इसके अलावा चांदनी चौक क्यों फेमस है, इसके साथ चुनावी चर्चा करना बहुत जरूरी है। चांदनी चौक में सबसे ज्यादा, मतलब एशिया की वो सबसे बड़ी मार्केट जहां पर आपको एथनिक सबसे ज्यादा मिलेगा, जहां आपको कोई भी सामान किफायती दर पर मिल जाएगा, और सबसे ज्यादा यहां आपको मिलते हैं लहंगे। जी हां, अगर शादी का सामान, शादी की शॉपिंग करने अगर लोग आते हैं तो वो यहीं पर आते हैं। चांदनी चौक अगर आप आ रहे हैं तो आपको ऐसे शेरवानी और लहंगे ही लहंगे आपको बहुत दिख जाएंगे। क्या नाम है सर आपका? हमारा हाँ। चंद्रेश्वर सिंह। चंद्रेश्वर सिंह, कितने साल से लगा रहे दुकान? दुकान तो हमारे उम्र से पहले से लग रहा है। आपकी उम्र से पहले से लग रहे हैं। अच्छी शॉपिंग होती है यहाँ पे, लोग खूब आते हैं। हाँ, ये देखो भीड़ भड़का दिखाओ। अच्छा, भीड़ भड़का हमेशा ऐसा ही रहता है। लेकिन ये बताओ कि इस बार देश में चुनाव है, प्रधानमंत्री चुनना है हमें फिर से एक बार, तो क्या लगता है कौन आएगा? मोदी जी आएंगे। क्यों, राहुल गांधी क्यों नहीं? काम ऐसा करता, सेना का जवाब मांगता है तो क्या करेगा लोग? सेना से जवाब? अच्छा, सेना से सबूत मांगता है इसलिए। अच्छा, तो आपको क्या लगता है बाकी और कौन से मुद्दे काम करेंगे? यहाँ तो वही मोदी जी का देशभक्ति, देशभक्ति काम आने वाली है। अच्छा, बहुत सारे लहंगे ही लहंगे नजर आ रहे हैं। कौन है, आपका नाम क्या है? गुड्डू जी। गुड्डू जी, अच्छा गुड्डू जी, क्या करते हैं आप? शॉप पे काम करता हूँ। शॉप पे काम करते हैं, कितने का है लहंगा? हाँ, 12,000 की है। 12,000। यहाँ पर आपको मनीष मल्होत्रा रेप्लिका भी मिलेगा, ऋतु कुमार रेप्लिका भी मिलेगा, और यहाँ आपको लाखों और लाखों से कम आते आते हजारों तक और कई सौ में भी लहंगा मिल जाएगा। क्या लगता है आपको इस बार देश में किसकी सरकार बनेगी? मोदी जी की बनेगी। चलिए आगे चलते हैं, बहुत सारे लोग आपको यहाँ मिलेंगे। 125 में आऊंगा। क्या नाम है आपका? जितेंद्र तिवारी। क्या करते हैं तिवारी साहब? मैं सेल्समैन करता हूँ। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार देश में कौन सी सरकार आ सकती है? मोदी सरकार आएगी। क्यों, कोई और क्यों नहीं? और कोई इसी लायक है नहीं। महागठबंधन क्यों नहीं? महागठबंधन कुछ नहीं, इनको आपस में 6 महीने ज्यादा चलेंगे नहीं। 6 महीने से ज्यादा चलेंगे नहीं, मिली जुली सरकार लोगों को नहीं चाहिए। क्या नाम है? दिव्या। क्या करती है? फैशन इवेंट्स करते हैं। अरे वाह, तो यहाँ तो मतलब आपके लिए चांदी चांदी मिलती है। हाँ बिल्कुल, सब कुछ मिल जाता है, बट बहुत मुश्किल है यहाँ आना चांदनी चौक, मतलब इसलिए क्योंकि खुद नहीं पता। मैं तो सिर्फ जब मेरा इवेंट होता है तब आती हूँ, बट बहुत ही बुरा हाल है और गाड़ी पार्क करने में बहुत मुश्किल हो गई। तो इस बार क्या लग रहा है देश की सरकार में कौन आ सकता है, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी आएगी। कांग्रेस क्यों नहीं? कांग्रेस में कोई फेस नहीं है ना, अगर कोई फेस होगा तो शायद मौका मिल सकता है। चेहरों की लड़ाई लोग चाहते हैं, चेहरों की लड़ाई में मोदी जी का चेहरा सबसे ऊपर रखते हैं, और लोग कहते हैं कि अगर उनके पास विकल्प होगा तो कुछ हुआ। देखिए, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती हैं। चांदनी चौक इस ऐसा मार्केट है जहाँ आपको कपड़े भी मिलेंगे, ज्वेलरी भी मिलेगी। सर कितने साल से लगा रहे दुकान आप? 40-50 साल हो गए। 40-50 साल, 40-50 साल में इतनी ही भीड़ देखते हैं या और बढ़ गई है भीड़? वो तो इसकी वजह से दिक्कत है तो बढ़ जाती है, और बढ़ जाती है, मतलब ये जो बंद हो गया है इसकी वजह से, इस वजह से परेशानी है तो बढ़ जाती है। कब तक बनने का वादा किया है सरकार ने? साल भर का पूरा कर देखो, कहा है 1 साल में
तो दिसंबर से 6 महीने तो हो गए, 6 महीने है, 6 महीने और भी लग जाएंगे, 6 महीने और लगेंगे। तो इस बार सरकार से जवाब मांगेंगे आप या फिर से मौका देंगे? किस विषय में जवाब? सारे विषयों में, चाहे नोटबंदी हुआ, चाहे GST हुआ, चाहे जो हेरा फेरी करता उसको दिक्कत है, जो हेरा फेरी नहीं करता उसको दिक्कत कहीं की है। अच्छे, मतलब अच्छे दिन आए उससे, बिल्कुल अच्छे। आसान है मोदी सरकार के लिए कि टफ है इस बार? बिल्कुल आसान है, दिल्ली में तो बिल्कुल आसान, सब में आसान है, देश में आसान, बिल्कुल आसान। कितनी सीटें बन रहे हैं अब ये नहीं कह सकते, 350 सीटें। विजय मित्तल साहब 350 सीट दे रहे हैं, 350, तो इतनी सीट तो खुद सरकार नहीं दे रही खुद को। नहीं देगी, देना पड़ेगा। क्यों आपको ऐसा लग रहा है? मोदी ने काम किए हैं, मोदी जी ने काम किया है, बहुत काम किए हैं। राहुल गांधी जी से उम्मीद क्यों नहीं है? बिल्कुल, काम क्या कर रहा है? मौका देंगे तो इतना सालों का दिया हुआ, क्या करा उन्होंने? अच्छा, कुछ करा उन्होंने? जो वो कहे तो उनको दे मौका, मौका ही देते रहे बस। गठबंधन मौका ही देता रहे, वो तो आपस में लड़ेंगे, आने तो लड़ेंगे आपस में। इतना गुस्सा भरा है कि मुझे मोदी मोदी। आप इधर आइए, क्या नाम है सर आपका? आप बहुत मुस्कुरा रहे थे। क्या करते रियाज साहब? मैं काम करता हूँ यहाँ कपड़े। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार देश में, माहौल किस तरह है? कुछ कह नहीं सकते जी, अभी किस्मत किस तरीके से, टफ है या आसान है? सभी जोर मार रहे हैं अपना अपना, सभी जोर मार, सारी पार्टियाँ जोर मार रही हैं। नमस्ते सर, क्या नाम है आपका? अखलाक अहमद। अहमद साहब, क्या कितने साल से लगा रहे दुकान? ये दुकान तो बहुत पुरानी है साहब, ये तो 60-70 साल हो गए। अच्छा, ये नोटबंदी जब लगी या GST जब हुआ तो असर तो नहीं पड़ा? नहीं, कोई नहीं फर्क पड़ा, काम चलता रहा। काम चलता रहा। तो इस बार क्या लग रहा है देश में? बहुत सारे मुद्दों पर लड़ाई हो रही है, चाहे वो रोजगार हुआ या फिर किसान, शिक्षा। इस बार देश में किन मुद्दों पर खास चुनाव दिख रहे हैं आपको? चुनाव तो ऐसे ही चल रहा है, चुनाव ऐसे ही चल रहा है, ऐसे चल रहा। क्या लग रहा है, मोदी जी के लिए आसान है या मोदी जी आएंगे? मोदी, अखलाक अहमद जी को लगता है मोदी जी आएंगे, राहुल गांधी क्यों नहीं? नहीं, राहुल गांधी नहीं आएंगे, मोदी जी पक्का है। मोदी जी पक्का? राहुल गांधी से क्यों उम्मीद नहीं है? पता नहीं, क्या आइडिया नहीं, आइडिया नहीं, इसका आइडिया नहीं है सर, आइडिया नहीं है, लेकिन मोदी जी आएंगे। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? अजीत। थोड़ा पीछे होइए। अजीत कुमार। क्या करते हैं अजीत जी? जॉब करते हैं, हार्डवेयर में। हार्डवेयर में जॉब करते हैं। क्या लग रहा है इस बार देश में? टक्कर दी है कांग्रेस ने। टक्कर दी है कांग्रेस ने? कैसे? 72,000 से? बिल्कुल दी है उसने, राहुल ने टक्कर, लेकिन मोदी ने जो लोगों को उम्मीद दी वो काम नहीं हुए। जैसे क्या काम नहीं हुए? बहुत काम नहीं हुए, जैसे देखो अभी हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट की हॉस्पिटल में जाओगे तो नहीं होगा कुछ भी, प्राइवेट में जाना होगा, पढ़ाई हो प्राइवेट है, गवर्नमेंट में नहीं। आयुष्मान भारत योजना जो लाई है इतने लाख परिवारों के लिए, वो तो बहुत खुश है लोग उससे? नहीं, कुछ जी नहीं हो रहा। मेन क्या है, मेडिसिन और पढ़ाई। जाए भी जाओ गवर्नमेंट में आप तो कहेंगे वो प्राइवेट हॉस्पिटल में, जो भी जाओ उधर ही जाना पड़ेगा आपको, गवर्नमेंट में इलाज नहीं होता। मेन ये है दो बातें, आम आदमी के पास कोई बीमारी आ जाए तो कहाँ जाएगा वो, मेन सोचने की पॉइंट है ये। आप क्या करते हो यहाँ? जॉब करते हैं। क्या लग रहा है इस बार देश में किसकी सरकार? मोदी। राहुल गांधी क्यों नहीं? अरे राहुल गांधी इतनी मुझसे पीछा छूटा कांग्रेस से, आप द्वारा उसके पीछे लगाना चाह रहे हो? पीछा छूटा है मोदी जी से क्यों उम्मीद है? आप देखो ना, क्या सर्जिकल स्ट्राइक और क्या सर्जिकल स्ट्राइक हुई, आज तक किसी ने करी? देश के अंदर इतने बदलाव हुए, आज तक किसी ने करे? नहीं करे। कहती है कि हमारे टाइम पे भी हुई थी। कब हुई थी आप बताओ, हिस्ट्री निकाल के दिखाओ, गूगल पर, यूट्यूब पर, आप कहीं तो कहते सर्च मारो, कहीं भी कुछ निकलाओ। मोदी आएगा, अपना मोदी। आपका मोदी है? हमारे मोदी है। अच्छा, विकास बहुत अच्छा करा देश के, 4 साल। राहुल गांधी से उम्मीद क्यों नहीं है? कोई राहुल गांधी कुछ कह नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, उसको बोलने नहीं आता, कुछ बोलना क्या भाषण में। प्रियंका गांधी आ गई तो आप? वो भी विकार है, सिर्फ मोदी है। अच्छा, वो न्याय योजना जो ला रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, 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 कुछ नहीं कराता। केजरीवाल ने वो तो केजरीवाल ने बहुत सारे वादे किए थे, क्या हुआ? आप देख लो चाइन चौक चाइन चाटो का हाउल क्या है, आप दिल्ली का, दिल्ली लोग कितनी बीच चली गई। अगर दिल्ली के कहते हैं एक बार को चांदनी चौक की जो 10 विधानसभा सीटें उन 10ों पर आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, लेकिन इन सबके साथ, थोड़ा आगे बढ़िए, जाम मत लगाइए, बहुत समस्या ऑलरेडी। चलो सर, क्या नाम है आपका? रमेश कुमार। क्या करते हैं सर? स्क्रीन बिल्डिंग करते हैं बरेली से। अच्छा, क्या लगता है इस बार देश में क्या, क्यों मोदी, क्यों राहुल गांधी क्यों नहीं? काम उसके अच्छे हैं। अच्छा, राहुल गांधी से उम्मीद क्यों नहीं? वो 72,000 का वादा कर रहे हैं, वो शिक्षा के लिए अलग बजट की बात कर रहे हैं, किसानों के लिए बजट की बातें तो सभी करते हैं, ये तो नेता का काम है बातें करना। तो यहाँ पे बीजेपी पर भी तो लोग आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस कह रही है ये लगाना काम है, लेकिन काम भी तो करना है। वो जनता को भरोसा है? जनता को भरोसा पूरा। महागठबंधन आ गया
वो नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़े। हम 24 लाख सरकारी नौकरियों का वादा कर रहे हैं, कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। ये विकास कर रहा है, ये देखो कैसा विकास हो रहा है, आम आदमी चल भी नहीं पा रहा है यहाँ पे। नमस्ते सर, क्या नाम है आपका? अनिल कुमार सर। स्वामी साहब, कितने टाइम से दुकान है अपनी? तो 90 इयर्स ओल्ड शॉप है। इतना वक्त हो गया, मतलब यहाँ पे डेवलपमेंट होते देखा सर आपने? सर ऐसे ही चल रहा, बराबर शुरू से ऐसे ही देखते आ रहे हैं। अभी जो टूट फूट हो रखी है उससे परेशानी हो रही है? हाँ, परेशानी तो बहुत ज्यादा हो रही है इस टाइम। तो अपने सांसद साहब से क्या कहेंगे? यही कहेंगे जी, इसका जरा समाधान जल्दी करो, जो तोड़ फोड़ हो रही है इसको रास्ते को जल्दी बनाओ। अच्छा, यहाँ पे जयप्रकाश जी को कांग्रेस ने टिकट दिया है इस बार, डॉक्टर हर्षवर्धन बीजेपी से हैं और अपने पंकज गुप्ता जी आम आदमी पार्टी से। तो लगता है कि जयप्रकाश क्योंकि स्थानीय है, यहाँ के रहने वाले हैं, लोग का असर ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, मोदी जी का पलड़ा भारी है कि राहुल गांधी जी? मोदी जी का पलड़ा भारी है। मोदी जी का पलड़ा भारी क्यों है, राहुल गांधी क्यों नहीं? काम किया उन्होंने कुछ 5 साल के अंदर, बहुत काम किया है, ऐसी बात नहीं है। दिल्ली को उम्मीद है इस बार? उम्मीद है, दिल्ली को भी उम्मीद है। चांदनी चौक की आवाज तो यही है। थोड़ा आगे बढ़ जाइए। नमस्ते सर, आपकी शॉप हम एक्चुअली चांदनी चौक दिखा रहे हैं। चांदनी चौक में अगर आप आते हैं तो सबसे पहले यहाँ लहंगों की खरीदारी होती है। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार देश में? मोदी सरकार। राहुल गांधी क्यों नहीं? राहुल गांधी तो मैडम बस ये हंसी की बात रहे सर। अच्छा, महागठबंधन से इस बार टक्कर होगी तो आसान है मोदी जी के लिए? मोदी जी महागठबंधन की गुंजाइश कुछ नहीं, सिर्फ मोदी जी ओनली, सिर्फ मोदी जी। कौन से मुद्दों पर चुनाव हो रहा है इस बार, क्या लग रहा है? चुनाव मुद्दे तो ये जी, देश का विकास, आतंकवाद से, आतंकवाद का सफाया और राष्ट्रीय सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो लोगों और युवाओं को अपनी तरफ खींच रहे हैं। चांदनी चौक इलाका। नमस्कार आंटी, क्या नाम है आपका? राज चौहान। क्या करती है मैम आप? हाउस वाइफ है। एक हाउस वाइफ को बहुत अच्छे से पता होता है कि घर की इकोनॉमी से लगाकर देश की इकोनॉमी में क्या चल रहा है ना? तो इस बार क्या लग रहा है, जब देश की सरकार चुनेंगे तो मोदी जी के लिए आसान है कि राहुल गांधी जी के लिए? देखो जी, उनके लिए आसान ही है अभी तो, क्योंकि उन्होंने जो जैसे जैसे देश संभाला है वो ही संभाल सकते हैं, बाकी तो ऐसा मोदी जी संभाल सकते हैं। राहुल गांधी जी क्यों नहीं? क्योंकि उनकी जो इतनी मजबूत नहीं है पकड़ नहीं। हाँ जी, मजबूत पकड़ नहीं है। नहीं। अच्छा, और क्या उम्मीद है मोदी जी से आपको? बहुत उम्मीद है उनसे अपने देश के प्रति। जब नोटबंदी हुई तो आसान रहा या आपके घर में मुश्किल? बहुत मुश्किल था, बहुत बहुत बहुत। तो फिर उसके बाद लोग क्यों वोट देंगे? इसलिए देंगे क्योंकि उन्होंने आगे चल के फिर अच्छा किया। शुरू में तो बहुत मुश्किल थी, लेकिन धीरे धीरे उनको समझा, उनके कामों को देखा तो अपने देश के उन्हें अच्छा लगा। चलिए, और कितना भावुक हो जाते हैं लोग। आपका नाम क्या है? माय नेम इज मिशा। कितने साल की हैं आप, वोट दे सकती हैं? बिल्कुल, 26। आपने शॉपिंग कर ली? हाँ, चांदनी चौक इज फुल ऑफ शॉपिंग ना, आपको शॉपिंग करने के लिए लोग आते हैं यहाँ पे। क्या लहंगा खरीद लिया? नहीं, सूट लिए मम्मा के लिए। अच्छा, तो अभी क्या कर रही हैं आप? अभी मैं जॉब कर रही हूँ। जॉब करती हैं आप, समझदार हैं, समझती हैं हर चीज। क्या लगता है देश में युवाओं को इस बार कौन सा नेता चाहिए? मैं तो फुल मोदी सपोर्टर हूँ, बिकॉज जैसे जो भी हम देखते हैं, ठीक है नोटबंदी हुई, थोड़ा हमें नुकसान भी हुआ, थोड़ी परेशानियां भी हुई, लेकिन ठीक है वो हमारे लिए कर भी तो रहे हैं, मतलब इतना फॉरेन ट्रिप्स और किस लिए, कुछ इकोनॉमी को इंक्रीज करने के लिए, तो ठीक है। राहुल गांधी से उम्मीद क्यों? वो अपने आप को यूथ कहते हैं, यूथ का नेता कहते हैं। मुझे वो कभी इतने स्ट्रांग दिखे नहीं, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता, करना ज़रूरी। क्या नाम है? विजय कुमार। क्या करते हैं सर? मैं ये ज्वेलरी बनाने का काम करता हूँ। ज्वेलरी बनाने का? अच्छा, तो आपको नोटबंदी जीएसटी के टाइम प्रॉब्लम हुई या अच्छे दिन आए? प्रॉब्लम तो हुई नहीं, देश के लिए तो अच्छा ही कर रहे हैं। देश के लिए अच्छे कर रहे हैं, अच्छा कर रहे। अच्छा, तो इस बार किसका पलड़ा भारी? हमारे काम में सबसे ज्यादा किसका पलड़ा भारी है? किसका पलड़ा भारी है इस बार? मोदी है। मोदी है कौन बराबर? कोई मुकाबले में है ही नहीं। राहुल गांधी नहीं है मुकाबले में? कहाँ, बचपना उनमें। शीला दीक्षित जी कह रही है राहुल की ग्रोथ दिख रही है। शीला दीक्षित अपनी ठीक है, राहुल तो बचपन है उसमें, तो राहुल पर, बचपन है बहुत कम है अभी। अच्छा, तो यहाँ से डॉक्टर हर्षवर्धन के लिए आसान है? मतलब बहुत आसान, बहुत आसान अपनी तरफ। अच्छा, पक्की उम्मीद है कि हमें। क्या नाम है आपका? राजू। राजू जी क्या करते हैं? फोटोग्राफी का काम। अच्छा, क्यों मोदी जी क्यों आएंगे? जी उन्होंने ऐसे काम करे हैं जो देश में कुछ उनकी वो है। अच्छा, राहुल जी क्यों नहीं? राहुल जी ने तो उनके सामने पूरे परिवार ने नाश कर दिया। नाश कर दिया बिल्कुल। आप यूँ कहोगे, मैंने आज से 5 साल पहले मुरादाबाद के अंदर के बहन के घर भैया आता है तो तिलक होता है, कुछ तिलक नहीं हुआ उनका। बहुत बढ़िया, बहन के घर भैया आता है तो बहन टीका करती है, कितनी बड़ी खुशी की बात होती है, लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं करा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।
अपने शादी के लहंगों और शेरवानी के लिए फेमस है, कपड़ों के लिए फेमस है, उतना ही यहाँ के खाने पीने के लिए भी बहुत फेमस है। यहाँ पे पराठे वाली गली में युवाओं से लगाकर बुजुर्ग तक सब आते हैं, महिलाओं से लगाकर बच्चे तक सब आते हैं। और यहीं पर हम लोगों से बात करेंगे कि पराठे वाली गली में खाते पीते लोग क्या सोचते हैं। वैसे इन गलियों में चलना बहुत मुश्किल है, बहुत कंजस्टेड है, बट फिर भी लोगों की तादाद हमेशा यही रहती है। चलो चलो चलो। ये आप ही की शॉप है? हाँ जी। Since 1889, इतना पुराने, मतलब कितनी पीढ़ियों से? I am the third generation. Third generation. अच्छा, पढ़ाई कितना किया है? पढ़ाई कितना किया? MBA पास आउट है। MBA पास आउट हो गया, अपने पुरखों का धंधा ही देख रहे हैं आप। और क्या? इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। इससे अच्छा कुछ नहीं, बट अपने दादाजी के दादाजी का अपना काम बढ़ाया तो। चलिए, क्या नाम है आपका? आशीष। आशीष, आशीष पहले मैं पराठे दिखा दूं, आशीष से मैं बात कर लूंगी। आशीष, ये बताओ कि यहाँ पर पराठे खाते हुए लोग बहुत सारी चर्चा करते होंगे, इस बार देश में जब सरकार फिर से चुननी है, पूरी दिल्ली 12 मई को वोट देने निकलेगी, क्या लग रहा है माहौल? नहीं, हमें तो माहौल मोदी साहब का ही लग रहा है। मोदी साहब का? चलो, आपके यहाँ पे बच्चे स्टूडेंट्स भी हैं, इधर आइए। पराठे खाने आए, क्या करते हैं? मैं निफ्ट में हूँ, स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं, कितने साल के? वोट दे सकते हैं? हाँ, वोट दे सकते हैं, पहली बार वोट देंगे। हाँ जी, एक्साइटेड हैं। हाँ। क्या नाम है आपका? नमन। दमन? Yes. दमन, नमन, 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 नमन। दिल्ली में ही रहते हैं? हाँ जी। अच्छा, तो नमन को क्या लग रहा है, दिल्ली सरकारें इतनी देखी होंगी आपने, पिछली बार आम आदमी पार्टी को विधानसभा में इतना जोरों शोरों से लोग लेकर आए, लोकसभा में यहाँ पर बीजेपी का कब्जा है, क्या लग रहा है इस बार, मोदी जी की राहुल गांधी? मोदी जी। राहुल गांधी क्यों नहीं? पता नहीं, पसंद नहीं है वैसे। पसंद नहीं है। अच्छा, मैं एक चीज और दिखा दूं, पराठे वाली गली तो है ही, लेकिन अगर आप चांदनी चौक में आते हैं तो आप शादी की शॉपिंग बहुत करते हैं, और ये जो आपको दिख रहा है, ये लहंगों पे लगने वाली लटकन, यहाँ बहुत ढेर सारी वैरायटी में और सस्ते दाम पर आपको मिलते हैं। सर, क्या नाम है आपका? नीरज शर्मा। नीरज शर्मा जी, कितने टाइम से शॉप लगा रहे हैं? ये 25 साल। क्या लग रहा है देश में इस बार मोदी जी का पलड़ा भारी है कि राहुल गांधी? मोदी जी का ही है। मोदी जी। राहुल गांधी क्यों नहीं? राहुल गांधी अपने समझ में आए नहीं अभी तक। अभी तक समझ नहीं आए। चलिए, मुझे लगता है कि यहाँ से आगे निकलते हैं, और यहाँ की चांदनी चौक का आपको वो जगह जहाँ आपको मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च सब एक जगह दिखता है, वो जगह जहाँ आप शादी से लेकर हर तरह की शॉपिंग कर सकते हैं, सिर्फ शॉपिंग नहीं, खा पी सकते हैं, यहाँ की लस्सी, यहाँ की रबड़ी, सब कुछ बहुत फेमस है, लेकिन चांदनी चौक वाले इलाके में विकास आज भी रहा दिख रहा है। ऊपर देखिए, ये वायर्स जो हैं ये अभी भी वैसे हैं, 25-30 साल से लोग इसी तरह से रह रहे हैं। हालांकि चांदनी चौक से बीजेपी को पिछली बार भी बहुत अच्छे से लोगों ने चुना था, लेकिन इस बार जो टक्कर है वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस वर्सेस आम आदमी पार्टी है। अब की बार किसकी सरकार की अगली कड़ी में सोमवार शाम 7:25 पर देखिए चांदनी चौक संसदीय क्षेत्र में आने वाले सदर बाजार के लोगों की चुनावी सोच। चांदनी चौक से संवाददाता माधुरी कलाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।